साथियों, आज हम लोग लगभग एक दशक से सुन रहे हैं कि भारत एक सुपर पावर देश बनने वाला है, पर क्या ऐसा सच में है या फिर अफवाह फैलाई जा रही है, या फिर झूठ बोला जा रहा है भारतीय लोगों से कि भारत एक सुपर पावर देश बनने वाला है, या कोई विदेश भी मानता है इसको। चलिए इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ। दरअसल अमेरिका के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था केनेथ वाल्ट। वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुपर पावर के बारे में बहुत खोज करता थे। उन्होंने कुछ डिफिनीशन दी थी किसी भी सुपर पावर को सुपर पावर बताने के लिए कि यह देश सुपर पावर है। उसमें से पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, रिसोर्स एंड इक्वायरमेंट, इकोनॉमिकली कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस परिभाषा के तहत रसिया, जापान, यूके, अमेरिका, इनको सुपर पावर की लिस्ट में गिना जाता है। और जापान को हाल ही में इससे हटा दिया गया है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। अब जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ सबसे बड़ा मार्केट होगा, इसीलिए भारत को आने वाली सुपर पावरों में गिना जाता है। आपको बता दें कि चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। अमेरिका के एक और सुपर राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था जॉन मर्सिमर। वो दरअसल एक परिभाषा दिए थे कि जो देश सुपर पावर से टक्कर लेने में सामर्थ्य रखता है मिलिट्री के मामले में और सुपर पावर को टक्कर देने की बात कह सकता है, वह देश एक स्वयं सुपर पावर है। इस मामले में तो रसिया पहले से ही अमेरिका को टक्कर देता चला आया है और अब हाल ही में चीन भी अमेरिका को टक्कर देने लगा है, अर्थात यह दोनों देश सुपर पावर के मामले में बहुत आगे हैं। पर भारत का क्या, क्या भारत भी एक आने वाली सुपर पावर है? तो भारत की यंग पॉपुलेशन और रिसोर्सेस और उसमें बाजार में आई जरूरतों के कारण भारत को भी एक सुपर इकोनॉमी बनने में टाइम नहीं लगेगा। बस भारत को कुछ चेंज करने होंगे, जैसे कि बेरोजगारी भारत को हटाना होगा, जो भारत की यूथ है उसको ला करके सही दिशा दिखा करके उनको एक रोजगार में कन्वर्ट करना होगा, जिससे भारत जल्द ही सुपर पावर बन जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।